तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल हसन विलेज व्लॉग्स पर। माशाल्लाह से घर के देसी मूंगरे लगे हुए हैं। तो जी अभी मैं पहुँचा हुआ हूँ खेतों में। मैं हुसैन भाई के पीछे आया था, हुसैन भाई खाद डालने के लिए आए हुए थे, तो हुसैन भाई पहले ही खाद डाल चुके थे, मैं थोड़ा लेट पहुँचा हूँ। तो जी आज की वीडियो में मैं स्पेशल जो है ना आबिद बलोच के बारे में बात करूँगा। मैं इनकी वीडियो से बहुत शौक से देखता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो देखने का शौक़ सिर्फ यही है कि वो जो है ना सामाजिक काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो बेशक लोग उन्हें बाहर से पैसे भेजते हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ उन पैसों को हकदार लोगों तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आबिद बलोच साहब सलूट है आपको। तो आप दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपने जो अपना लाइफस्टाइल जो है ज़्यादा जो है ना अपने लिए सुकून तलाश नहीं किया, लोगों के लिए जो है ना आपने जो ना आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके कामों में भी आसानियाँ पैदा करेंगे। आबिद बलोच की वीडियोस मैं उस वक्त से देख रहा हूँ जब इनके पास कोई अच्छा कैमरा नहीं था, इनके पास अच्छा माइक नहीं था। तो अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, 27 लाख तक गई। लेकिन आज आबिद भाई अपनी मेहनतों की वजह से और अल्लाह ताला की रहमतों की वजह से 1,16,000-17,000 सब्सक्राइबर के साथ ना एक बड़े यूट्यूबर बन गए हैं। आबिद बलोच के चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विज़िट करें। वैसे मेरा आज दिल किया कि मैं ना उनकी सपोर्ट में एक वीडियो बना दूं, क्योंकि वो लोगों की मदद करते हैं, जो पैसे उन्हें अर्निंग होती है उनमें से भी लोगों की मदद करते हैं, और उन्हें बाहर से भी लोग जो पैसे भेजते हैं लोगों की मदद के लिए, उनको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ हकदार लोगों तक पहुँचाते हैं। आज की ये छोटी सी वीडियो स्पेशल क्रेडिट पेश करने के लिए बनाई है मैंने आबिद बलोच साहब को। तो जी आबिद भाई आपसे भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जो होते हैं ना कामयाब लोगों के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं। आपने जो भी आपके ख़िलाफ़ कोई बात करे, कोई भी वीडियो आपके ख़िलाफ़ आए, तो आपने परेशान नहीं होना, उसको मोटिवेशन की तरह अपनी ज़िंदगी में लें और ये सोचें कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ इसलिए लोग मेरे मुखालिफ हो गए हैं। तो आपने जो है ना इस काम को जारी रखना है। आबिद बलोच साहब आपकी नज़र एक शेर है, गरीबी से उठा हूँ गरीबी का दर्द जानता हूँ, मैं आसमां से ज़्यादा ज़मीन की कदर जानता हूँ। तो ये शेर जो है ना आप पर बिल्कुल फिट आता है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की है, तो आप जिन हालात से गुज़रे हैं आपको पता है, तो आपने इसी तरह फिर लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबियाँ अता करेंगे। कामयाब शख्स वही होता है जो महरूमियत से गुज़रा हो और फिर जब कामयाब हो जाता है तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है, ताकि लोग जो है ना महरूमियों से ना गुज़रें। आबिद भाई आपने एक मस्जिद भी तामीर करवाना शुरू की है, ये तो एक बहुत ही अच्छा काम आपने शुरू किया है। अपनी बस्ती में मस्जिद नहीं थी आपकी, तो आपने मस्जिद बनवाना स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत अता करेंगे। तो जी आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आबिद भाई के चैनल का विज़िट करें और वीडियोस को देखें, किस तरह से हैं इंसानी ज़िंदगी का गुमशुदा बाप वाकई तलाश करती हैं। सिर्फ चैनल पर लिखा नहीं हुआ, वाकई इंसानी ज़िंदगी का गुमशुदा बाप आबिद बलोच साहब की वीडियोस तलाश करती हैं। ज़रूर विज़िट करें, हसन अहमद को दीजिएगा इजाज़त, मुझे भी सपोर्ट करें, और इसी के साथ मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।